पहले तो मुझे इंग्लिश से बहुत डर लगता था। मुझे ये लगता था ये इंग्लिश सब्जेक्ट बना क्यों। घर में अगर कोई बोलता भी था तो मैं सामने चली जाती थी, मुझे समझ में नहीं आता था। मतलब कि बुक रीड कर लेता था, पहले भी सेंटेंस समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। इंग्लिश का एग्ज़ाम होता था तो कोई सब्जेक्ट पे लिखने के आ गया तो हम लिख नहीं पाते थे। अब आई एम हेजिटेटिंग इन टॉकिंग इन इंग्लिश विद अदर पर्संस। इंग्लिश सीखना चाहता हूँ अब पूरी तरीके से। At East Asia are making a contribution by connecting bright students with successful professionals such as doctors, MBAs in India and abroad through one-to-one mentoring. सभी जगह English speak की जाती, English बोली जाती है, और जैसे किसी दूसरे देश में जाओ तो एक इंग्लिश ही ऐसी लैंग्वेज है जो यूज़ की जा सकती है। आपस में कम्युनिकेट करने के लिए इंग्लिश की यूज़ करनी पड़ेगी। इंग्लिश तो हर जगह इम्पोर्टेंट है। As a mentor, we need to first understand the child and the fear that they hold towards speaking English, and to help them come out of their everyday comfort zone. To help them see that there is more to learning than just the regular textbooks, and to work on the overall personality development. And during this journey, the children begin to enjoy the process. They become more confident. And they begin to use what has been taught on an everyday basis. And as mentors, we come out of it feeling amazed to have contributed to their better future. जब मैंने बुक रीडिंग कंपटीशन मतलब शुरू किया तब मुझे एक मेंटर मिले। जब मैंने मतलब गूगल हैंगआउट से उनसे बात की, वीडियो कॉलिंग की, तब उन्होंने मुझे बताया कि हम लोग बुक रीडिंग कंपटीशन में 10 बुक्स मतलब हम लोगों को फिनिश करनी है, और हम एक एक करके बुक्स 15 डेज में ख़त्म करेंगे, और आपसे बात करते रहेंगे, आपको जहाँ भी बुक पढ़ने में मतलब दिक्कत होगी तो आपको बताएंगे। बुक रीडिंग में हमें बुक को रीड करना पड़ेगा, वो भी बुक इंग्लिश की होती है पूरी, उसमें हमें डिफरेंट मीनिंग मिलती हैं जिन्हें हमें रीड करना होता है। हमारे मेंटर जो होते हैं हमें असाइनमेंट देते हैं जिनको हमें करना होता है। जब बुक रीडिंग एक्टिविटी हुई तो पहले तो ये डर लगता था मैम मुझसे इंग्लिश में बात करेंगी, कैसे बात करूँगी। बुक रीडिंग में जो मैंने पहली बुक पढ़ी थी उसमें बहुत कंफ्यूजन थी, ये मेरे क्योंकि फर्स्ट बुक थी, हाँ तो थोड़ा डर भी लगा था पढ़ने में कि सर किससे कहेंगे, किससे असाइनमेंट देंगे, मुझे डांटेंगे, क्या करेंगे। व्हेन आई रीड द फर्स्ट पेज आई डिड नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट हैड रिटन इन इट एंड आई एम नॉट गेटिंग इट इजीली। दिस प्रोग्राम इंक्लूड्स इंग्लिश बुक रीडिंग एक्टिविटी। वी स्टार्ट दिस एक्टिविटी इन वेरियस स्कूल्स विद 10 चिल्ड्रन एंड ईच ऑफ देम has a mentor and together they read 10 interesting books in 100 days. The purpose of this activity is to inculcate reading habit in them, develop writing skills through assignments, enhance their vocabulary and build in them a confidence to interact and be friends with somebody who's not from your school and family. मैंने मतलब एक एक करके शुरू किया पढ़ना तो मुझे कुछ कुछ समझ में आया, जो भी मीनिंग नहीं समझ में आ रही थी वो उन्होंने बताया और उसको मतलब पूरा इंग्लिश में कन्वर्ट करके मुझे समझाया। शी टीच मी दैट टू मेक अ सेंटेंस फ्रॉम द वर्ड्स, शी टोल्ड मी दैट हाउ टू राइट द समरी। नहीं क्वेश्चन समझ में आया कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है तो आप फिर मुझसे बताओ। गलत भी बनता है तो भी मैं भेजूंगा सर को, और सही बनेगा तो भी भेजूंगा सर को, और फिर बाद में सर मुझसे डिस्कस करते हैं इसके बारे में कि वो गलत था कि सही था, फिर मुझसे उन लोग के द्वारा उसको करेक्शन कराते हैं। अब मेरे घर में कोई भी आता है, मेरे भैया लोग दिल्ली में रहते हैं तो वो इंग्लिश से ज़्यादा बात करते हैं, आते हैं तो मैं उनसे बात करती हूँ तो कहते हैं नहीं अब मुझे असर दिखाई दे रहा है कि नहीं बुक रीडिंग कर रही तो कुछ असर आया है। इंग्लिश समझने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लिखने में भी नहीं है, पढ़ने में भी नहीं है। तो जब पहली बुक पढ़ी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब दूसरी बार मैंने बुक पढ़ी तो कुछ अच्छा लग रहा था और कुछ सेंटेंस होते समझ में भी आ रहे थे। आई हैव अ कॉन्फिडेंस टू टॉक विद अदर पीपल्स इन इंग्लिश। पहले मेरी वोकैबुलरी बहुत कमज़ोर थी, अब स्ट्रांग हो रही धीरे धीरे। इंग्लिश मीडियम में मेरी फ्रेंड्स पढ़ती हैं, उनके सामने मैं खूब अच्छे से बात करती तो कहती हूँ वाह खुशी तुम तो बिल्कुल चेंज हो गए, इंग्लिश से इतना डरती थी।